नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी के प्रत्याशी मैदान में हैं, निर्दलीय भी मैदान में है। नाम वापसी का वक्त जा चुका है और सीधे कैंपस में जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस से टकराव, लाठियां चलना, नारेबाजी होना, धरना होना, ये सब अभी तक देखा जा चुका है और अब और बहुत कुछ देखना बाकी है। दरअसल देखना यह भी बाकी है कि जिस दौर में छात्र नेता लाखों की लग्जरी महंगी कारों में घूमते हैं, लाखों के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आगे पीछे जिनके दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, सैकड़ों छात्र चलते हैं, जिनके होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर से कैंपस से लेकर शहर तक अट जाता है, वहां सिर्फ 5000 में चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये समझना जरूरी है। क्योंकि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें कहते हैं कि चुनाव 5000 में ही लड़ना होगा। तो हमारा सवाल यह है कि क्या प्रत्याशियों को विरोधियों से लड़ने से पहले लिंगदोह की सिफारिशों से लड़ना होगा? और कोई माने या ना माने, सच यही है कि अगर लिंगदोह की सिफारिशें जीतती हैं, यानी कि वो लागू होती हैं, तो सभी प्रत्याशियों का हारना तय है। और अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो फिर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का हारना भी तय है। सच ये भी है कि लिंगदोह की सिफारिशों के लागू होने के 12 सालों में कोई बड़ा नेता कैंपस से निकलकर विधानसभा लोकसभा नहीं पहुंचा। तो क्या लिंगदोह की सिफारिशें छात्र नेताओं का काल है या फिर मोरल वो बाध्यता जो दिखती जरूर है, जिसकी बात जरूर होती है लेकिन माननी जरूरी नहीं है? आज बात इसी मुद्दे पर। सबसे पहले आपको लिंगदोह की सिफारिशें बताते हैं। वैसे तो 20 से ज्यादा सिफारिश है लेकिन प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? ये जरा एक बार तेजी से देख लेते हैं। लिंगदोह की प्रमुख सिफारिशें हैं: उम्र सीमा यूजी में 22 वर्ष, पीजी के लिए 25 वर्ष और शोध छात्र के लिए 28 वर्ष। ये दरअसल एज लिमिट है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति जरूरी है और वहां का रेगुलर छात्र होना जरूरी है। चुनाव लड़ने के लिए नियमित छात्र होना भी जरूरी है। आपराधिक रिकॉर्ड, मुकदमा, सजा या अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चुनाव से बैन है। एक प्रत्याशी का अधिकतम खर्च 5000 रुपए हो सकता है। प्रिंटेड पोस्टर, पंपलेट्स या प्रचार सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं है। कैंपस में लाउडस्पीकर, वाहन और जानवरों का प्रयोग भी अनुबंधित किया गया है। तो ये दरअसल वो बाध्यताएं हैं जिनको लागू करना होता है लेकिन लागू होती कहीं दिखाई देती नहीं है। इस मुद्दे पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली में इन्वेस्टर्स समिट और एमओयू साइनिंग सेरेमनी में। मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। अध्यक्ष बने और मैंने आपको ये भी कहा था अगर वो नहीं मानते तो कई लोग निराश हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। जो बात मैंने कहनी थी कह दी, उस बात में आज भी कायम हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से उनसे वो सवाल पूछा गया कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा। उन्होंने फिर उसका वही जवाब दिया कि हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी, और अगर वो नहीं होंगे तो फिर कांग्रेस के कई नेता घर बैठ जाएंगे। लेकिन हम बात करें उन नेताओं की जो कैंपस से निकलकर क्या घर बैठेंगे, विधानसभा जाएंगे, लोकसभा जाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल जो नियम बनाए गए हैं, क्या उन नियमों के दायरे में रहते हुए चुनाव को लड़ पाएंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन साहब, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी जगरूप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रवक्ता अमित भारद्वाज जी। एके जैन साहब, सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, बीते 12 सालों में, क्योंकि 9-10 के दौरान लिंगदोह की सिफारिशों को लागू किया गया, तब से लेकर आज तक क्या कोई भी 2-4 नेता ऐसे मिले जिनके ऊपर कार्रवाई इसलिए की गई हो कि लिंगदोह की सिफारिशों की पालना नहीं की गई हो और उस वजह से या तो उनका नामांकन रद्द, अध्यक्षता चली गई हो या बैन लग गया हो? देखिए, जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों के चुनाव हो रहे हैं वो तो हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिबिंब है जी। कि जहां पर धन बल, भुजबल और जातिवाद और अन्य शक्तियों के हिसाब से
ऐसा लग रहा है कि जैसे विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं होके एमपी एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, जहां सारे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, सारे नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से लिंदो कमेटी का गठन किया गया था, क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था कि किस तरह कैंपस में चुनाव के नाम पर गुंडागिर्दी के सेंटर्स बनते जा रहे हैं, शक्ति के सेंटर्स बनते जा रहे हैं। आपने बात एक बात पूछी कि क्या किसी पे कार्रवाई हुई है, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, 2014 में एक बार जरूर राजस्थान उच्च न्यायालय ने झटका दिया था कि जब पूरे के पूरे चुनाव को रद्द कर दिया था, बाद में स्थितियां कुछ हो रही वो बात अलग है, पर एक झटका, और वो इसी आधार पर किया कि लिंदो कमेटी के जो डायरेक्शन थे उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, सब जगह चुनाव के नाम पर जो विद्या के मंदिर हैं वो राजनीति के, और वो भी उस राजनीति के जो गंदी और जिसे राजनीति में कहना चाहिए जो राष्ट्रीय राजनीति जैसी हमारी हो रही है उसके प्रतिरूप बन गए। लेकिन सर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जाति के नाम पर वोट मांगना प्रतिबंधित है, सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित है, खुलकर नेता मांग रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि हम इस जाति थे इसलिए हमें बहिष्कृत किया गया, हमें टिकट नहीं दिया गया। आगे बढ़ूं सर, पोस्टर बैनर होर्डिंग्स बैन है, आप सिर्फ हाथ से लिखे हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। जयपुर के अंदर आप कहीं चले जाइए आपको बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स दिखाई दे जाएंगे, क्या किसी को दिखाई नहीं देते? देखिए दिखाई तो सबको देता है, पर कार्रवाई करने के लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। हम बात करें विधानसभा लोकसभा चुनाव की, पर वहां भी इसी तरीके से धज्जियां उड़ती हैं, वहां भी जाति के नाम पर धर्म के नाम पर वोट मांग कर राज चलाया जाता है। पर न क्या वही बात हम कहेंगे कि जो तथाकथित निष्पक्ष चुनाव आयोग है जब उसको नजर नहीं आता तो फिर हम इन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अधिकारियों को क्या दोष दें? ठीक है, तो यादव जी, सर मानकर चलें कि बस लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें मोरल वो बाउंडेशन है जो बस सुनाई देती है, हर बार जिनका जिक्र होता है उनको बस लागू नहीं कराना है और ना ही किसी के ऊपर ये बैरियर है कि आपको इसको फॉलो करना है, क्योंकि अगर फॉलो ही कर दिया ना सर तो जिन लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं मुझे लगता है 10 दिन का उनके पेट्रोल का खर्चा 5,000 से ऊपर निकल जाएगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रावधान नियम में प्रावधित किया जाता तो उसके पीछे कोई ना कोई दर्शन छुपा हुआ रहता है। लिंग दो समिति की सिफारिशें हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के से उनकी सैंक्शन है, अनुमति है, और वो जो सेट ऑफ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया गया है, जो निर्वाचन में भी भारत निर्वाचन आयोग जैसे लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों में देखता है, उसी तरह उतनी सैंक्टिटी लिंग दो समिति की भी है। जी, जैन साहब ने जैसा कि बताया, एक बार राजस्थान माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने भी प्रसंज्ञान लेके लिंग दो के आधार पे किया, लेकिन किसी भी कानून को अगर आप बना देते और उसको प्रवर्तन करने की समुचित व्यवस्था नहीं होती है तो मैं समझता हूँ उसमें वीकनेस होती है। जहाँ खर्च की सीमा है वो अगर मान लीजिए आज प्रासंगिक नहीं है तो वो बढ़ाई जा सकती है, कोई वो वन टाइम नहीं होता, कोई जैसे समसामयिक दृष्टि से कोई भी चीज नियमों में प्रावधान है तो उनमें संशोधन किया जा सकता है। रिकॉर्ड तो कोई कहता नहीं, ऑफ रिकॉर्ड किसी से बात कर लीजिए आप, 5,000 में कहते हैं कि 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं ये कैंपस के इलेक्शन में। सर अब इतना तो दायरा बढ़ाया जा नहीं सकता, लेकिन मेरा सवाल सर ये कि कैंपस के पॉलिटिक्स और इनसाइड कैंपस, बाहर का प्रशासन हो सकता है बहुत ज्यादा हस्तक्षेप ना दे पाए, लेकिन सर जो रोडों के ऊपर सड़कों के ऊपर जो बैनर होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं वो तो हटने चाहिए, तस्वीरें जरा देखिए सर, ये कैंपस के अंदर थोड़ी ना है। निश्चित रूप से लिंग दो समिति की सिफारिश में भी प्रतिबंधित है कि ना तो वो सभा बाहर करेंगे, ना चंदा मांगेंगे, ना बाहर सभाएं करेंगे, पोस्टर बैनर होर्डिंग इनका प्रयोग बाहर नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय परिसर या संगठक कॉलेज है जहां पर चुनाव है वहीं निर्धारित स्थानों पर वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, साइकिल स्टैंड या कोई स्टेडिया जो बता दिया जाए उसी पर। इन सारी चीज़ों को नियामक करने के लिए मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन को, और इसके लिए अगर इस तरह की कोई इसमें व्यतिक्रम होता है तो एक अधिकरण बना रखा है, अधिकरण में उसके आधार पे तो वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जैसे भारत निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक लगाता है यहाँ पर्यवेक्षक लगाने चाहिए, क्योंकि आपस में छात्र बैनर पोस्टर कौन लगा रहा है इसको तय करना मुश्किल है। नगर निगम प्रशासन है, उसका ये दायित्व है कि शहर में जो भी अवैध विद्रूपण होता है, 2006 का इसका एक्ट बना हुआ है, उन पे आपराधिक मुकदमे कायम होने चाहिए, उनके चालान किए जाने चाहिए, अगर उसके आधार पे ही मैं समझता हूँ ऐसे प्रत्याशियों का या उनके समर्थकों का जो लगाते पाए गए उनके खिलाफ मुकदमे कायम होंगे
तो उसके आधार पे विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित में शिकायत जानी चाहिए। जब मैं सीईओ था तो मैंने कतिपय प्रत्याशियों के विरुद्ध लिख के भी दिया था कि भाई ये शहर का विद्रूपण कर रहे हैं, 2006 का जो एक्ट है जिसके तहत विद्रूपण प्रतिबंधित है। तो ये सारी चीजें प्रवर्तन में लाने के लिए स्थानीय प्रशासन है, उसमें चाहे जिला प्रशासन हो चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके भी कुछ फरायज हैं, उनको भी उसका प्रवर्तन करने के लिए उनका तो ये है कि समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। जरिए बच्चे के कैलिबर को निखारना चाहिए और निखारा जा रहा है धनबल को, ये समस्या है सर। नहीं विजेंद्र जी देखिए, राजनीतिक प्रणाली में मैं समझता हूँ कि निर्वाचन है, उसका सीखना, बच्चों को अवसर देना, ये तो मैं समझता हूँ उचित है, क्योंकि प्रजातंत्र में निर्वाचन जो आज का युवक है वो कल का भविष्य है। तो उन लेकिन उनको जिस तरह से जैसे हमारे निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, आज ऐसा नहीं है, वो सारी चीजें मोटे तौर से लिंग दो समिति ने भी सिफारिशें की हैं कि आप सांप्रदायिक आधार पे जाति के आधार पे मत संयाचना नहीं करोगे, अगर करोगे तो इनकी मैं समझता हूँ कि इनकी सबकी शिकायत जनरेट करने का और 3 सप्ताह तक मुझे तो ऐसा लगता है कि सब आंखों पे पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं कि चलिए छात्र संघ चुनाव को हो जाने दीजिए, वरना क्या नहीं देख लिया है पिछले 5 दिन में लिंग दो कमेटी की जितनी सिफारिशें लगभग सबको ब्रेक डाउन कर दिया गया है। मैं आपसे सहमत हूं विजेंद्र जी कि ये प्रवर्तन का दोष है, व्यवस्थाएं वो अपनी जगह सही है, निर्वाचन होना प्रजातांत्रिक प्रणाली में वो भी अपनी जगह सही है, वो होना चाहिए। अगर किसी चीज का प्रवर्तन नहीं हो रहा है या कोई प्रवर्तन सिफारिशों में कोई चीज आज सामयिक नहीं है या उसमें कोई प्रासंगिक दृष्टि से कोई परिवर्तन करना है तो इसकी प्रक्रिया भी निर्धारित है, वो किया जाना चाहिए। लेकिन अगर नियामक आपने नहीं बनाया, अगर आपने ऑब्जर्वर नहीं लगाए, अगर आपने शिकायत कहाँ जनरेट होगी, उस पर प्रोसीड कैसे करेगा, उसका अभियोजन कौन करेगा, अभियोजन को सिद्ध कौन करेगा, न्यायाधिकरण को कौन शिकायत देगा, उसका सपोर्टिंग कोरोबोरेटरी एविडेंस क्या होगी, ये सारी चीजें भी मैं समझता हूँ इस तरह के उपनियम और बायलाज विश्वविद्यालय प्रशासन को बनाने चाहिए। अमित भारद्वाज, क्या वाकई में आपको लगता है कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को पालना करना इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि वो तर्कसंगत ही नहीं है? तर्कसंगत हो तो उस दायरे में आकर काम किया जाए। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको ये बताऊं कि हम लिंगदो कमेटी की सिफारिशों पर अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या सरकार ने लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को पूरा करते हुए क्या चुनाव प्रक्रिया करी है, चुनाव शुरू चलवाए हैं। लिंगदो कमेटी की एक सिफारिश ये है कि सत्र प्रारंभ होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर आपको चुनाव करवाना है। आज यहाँ एडमिशन प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ और सरकार चुनाव करवा रही है, तो जब सरकार ही उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है तो आप आम छात्रों से क्या उम्मीद करोगे, छात्र नेताओं से क्या उम्मीद करोगे? जमकर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की अवहेलना करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं, मैं ये नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बनी है, उनकी निगरानी में ये बनी है, इसकी पालना होनी चाहिए। लेकिन इसकी पालना सरकार में बहुत अंतर अमित, कैंपस के बाहर रैलियों निकालने का मतलब क्या है, चौमू के अंदर रैली निकालने का मतलब क्या है, बाकी जगह रैली निकालने का मतलब क्या है? मैं जानना चाह रहा हूँ, चुनाव तो कैंपस का है ना, नहीं होर्डिंग्स लगाने का मतलब क्या है, और ये खुलेआम जयपुर में हो रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ जयपुर में हो रहा है, सरकार अपने आंखों पर पट्टी बांध करके बैठी है, सरकार किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरकार किस मुंह से कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरकार ने खुद ने लिंगदो कमेटी की सिफारिशों पर ठोकर मारते हुए ये चुनाव करवाया है, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, यही मतलब हुआ ना? ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है, करना चाहिए। मैं खुद पर्सनली सबसे आग्रह करता हूं कि लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुसार ही आपको चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, आपको चुनाव प्रचार करने चाहिए। एबीवीपी का कोई भी बैनर पोस्टर होर्डिंग कैंपस के बाहर दिखाई नहीं देगा, बोलिए। सरकार को इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, सरकार बोलिए। सरकार को सबसे पहले आप धनबल और बाहुबल की आप बात कर रहे हो, लिंगदो कमेटी की सिफारिश इसलिए शुरू हुई थी कि धनबल और बाहुबल का कम से कम प्रयोग हो और एक सतत एक अच्छी चुनाव प्रक्रिया चले, है ना। लोग मतलब छात्र जब आ रहे हैं वो एक जब ये कली खिल रही है तो एक साफ तरीके से स्वच्छ छवि के साथ में ये कली खिले, लेकिन सरकार खुद धनबल और बाहुबल का गलत तरीके से प्रयोग करते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी जब जो चुने जा रहे हैं अगर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, 30-30, 40-40 लाख रुपए की गाड़ियों में चल रहे हैं, तो वैसे भी उनके लिए 5,000 बहुत मायने नहीं रखता है। तो यहाँ तो कैंडिडेट सिलेक्शन में ही धनबल बाहुबल दिखाई देता है, और मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं।
धनबल बाहुबल की आप बात कर रहे हो, आप सबसे पहले इस चीज को देखो। मैं आपसे वापस से ये आग्रह करूंगा कि सरकार धनबल और बाहुबल का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से चुनाव कमेटी लिंगदो कमेटी की सिफारिशों की धज्जियां उड़ा रही है, सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए। सरकार इस प्रदेश का नेतृत्व करती है। एक जैन साहब, क्यों कार्रवाई नहीं होती? मैं वाकई में इसको हमेशा से इस सवाल का जवाब चाहता हूं और मुझे कभी जवाब नहीं मिलता है। हर साल यही होता है, हालांकि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए लेकिन इससे पहले भी यही धरा रहा है। देखो, इसका कारण ये है कि आपके चैनल पर बैठकर या कहीं भी जाकर आप किसी भी छात्र नेता को बुलाएंगे, किसी भी राजनेता को बुलाएंगे, सब ये कहेंगे कि इसकी पालना होनी चाहिए और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर पालना कोई नहीं करेगा। और अब एक बड़ी बात, अजीब बात है कि सरकार ने समय पर चुनाव नहीं करा है तो बाकी सब लोगों को लाइसेंस मिल गया कि वो लिंडो कमेटी की धज्जियाँ उड़ाएं और उन सारे कानून जो सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ लॉ उसको नहीं माने। क्या ये लॉजिक माने जाने योग्य है कि एक आदमी चोरी करके निकल गया तो सारे मोहल्ले को हक मिल गया कि वो चोरी करे, लूटपाट करे, डाका डाले? निश्चित रूप से जो कल के नेता बनने वाले हैं, अगर उनकी ये मानसिकता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश को भगवान ही बचाएगा, जैसे पहले वाले नेताओं से अभी तक भगवान बचाता आ रहा है। आखिर लिंडो कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, जो काम सरकारों को करना चाहिए, जो काम राजनेताओं को करना चाहिए था, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। लिंडो कमेटी जो पुराने पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी देखरेख के उनके अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, उल्लंघन लगातार हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है नहीं बनता? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस देने के लिए लिंडो कमेटी को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक मैंडेट इशू नहीं किया था कि चुनाव ये किया है और इसी की आड़ में गाइडलाइंस बनाई और गाइडलाइंस का वायलेशन, गाइडलाइंस को लागू करवाना, उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनाई, ये स्टेट अथॉरिटीज का काम है। एक बार निश्चित रूप से मैंने उदाहरण दिया था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इंटरफियर किया था इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कि हम हमारे बच्चों का भविष्य इस तरीके से खराब होते हुए नहीं देख सकते। अच्छा, परंतु कौन है सर? मैं उन बच्चों को नहीं मान रहा, क्योंकि 10 के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी ना अगले साल से, चुनाव फिर अपने आप कैंपस के अंदर नजर। अगर इसके लिए जिम्मेदार हैं तो हमारे राजनीतिक दल हैं जो बच्चों के भविष्य को नहीं देखते हैं बल्कि वहां देख रहे हैं कि हमारे लिए आने वाले वर्कर्स, जैसे हम चाहते हैं, अच्छे वर्कर्स नहीं, राजनीति में सक्षम वर्कर्स नहीं, ऐसे वर्कर्स जो हम अब तक चला रहे हैं गंदगी को, उस गंदगी को बढ़ाने वाली टीम हमें तैयार करके फसल के रूप में मिलती रहे। और निश्चित रूप से अगर किसकी जिम्मेदारी है तो ये तथाकथित राजनीतिक दलों और राजनीतिक नेताओं की है, जिन्होंने, क्योंकि आज की डेट में आप यूनिवर्सिटी चुनाव में जाएंगे तो वहाँ राजनीतिक दलों का चुनाव हो रहा है, छात्रों का चुनाव नजर नहीं आ रहा है वहाँ पर, और वो अपनी गंदी टीम बनाने के लिए सारी की सारी कार्रवाई कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ठीक है, जगरूप यादव जी, सर मुझे ये बताइए, मैं इनमें बच्चों को तो जिम्मेदार इसलिए नहीं मान रहा कि उनको तो खुला मौका मिला हुआ है, खुलकर वो अपना प्रचार कर रहे हैं, जितना पैसा खर्च कर सकते हैं करें, क्योंकि वो तो विधानसभा लोकसभा देख रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सिफारिशों को लागू कराए, एक बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न कराए, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो सबसे पहले तो सर ये गिनाइए कि कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार, और दूसरा ये गिनाइए कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं विजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा डिबेट भी अच्छे समसामयिक विषय पर रखी और अब आपने सवाल भी अच्छा उठाया है। मैं समझता हूँ इसके लिए स्वतंत्र नियामक बनाना चाहिए, चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन का नियामक स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन में जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज हैं, वो छात्रों से किसी न किसी तरह से उनको आक्रांत भी रहते हैं और उनको भय भी लगता है, तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। जैसे विधानसभाओं का, लोकसभा का निर्वाचन करने के लिए स्वतंत्र निकाय भारत निर्वाचन आयोग है, या राज्य का मुख्य कार्य निर्वाचन अधिकारी, पंचायतों का चुनाव कराने के लिए जिस तरह से हमारे यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाता है, इसी तरह मैं समझता हूँ विश्वविद्यालय विद्यालयों का जो निर्वाचन कराने का दायित्व है वो स्वतंत्र नियामक को देना चाहिए, जो शिकायतों का निवारण भी करे, उनका पंजीकरण भी करे और उन पे फिर वो कार्रवाई भी कर पाएगा और वो बेहतर हो कि वो विश्वविद्यालय प्रशासन से अलग हो। दूसरा, स्थानीय प्रशासन को मैं नहीं समझता कि उनको कहीं पर भी बंधन नहीं, प्रतिबंधन नहीं है, जो भी गतिविधि विश्वविद्यालय परिसर के अतिरिक्त होती है वो लिंग दो समिति के अनुसार नहीं हो सकती, मत संयाचना भी विश्वविद्यालय से बाहर नहीं हो सकती, चंदा भी नहीं मांगा जा सकता,
और जहां तक खर्चे की सीमा है, खर्चे की सीमा में भी आपको ये भी उल्लेखनीय कि लिंगदो समिति ने यह भी कहा है कि निर्वाचन होने के पश्चात 5,000 की सीमा है वो हो सकता है व्यवहारिक नहीं हो, आज बढ़ाने की आवश्यकता तो वो बढ़ाया जा सकता है, पर सवाल ये कि जो सीमा है उसमें आपको हिसाब भी पेश करना पड़ेगा। रोचक बात है, रोचक बात भी ये भी है कि जैसे लोकसभा और विधानसभा में भी जो आपने सीमा खर्चे की तय कर रखी उसमें उनका भी निर्वाचन नहीं होता। अब ये तो बड़ा राष्ट्रीय स्तर पे डिबेटेबल इश्यू है कि आप इतना क्यों रख देते हो जिसमें संभव ही नहीं होता। छात्र है ना, हम इसको इस तरीके से देखते हैं, जो छात्र है वो घर से पॉकेट मनी लेकर आ रहा है और उस पॉकेट मनी से वो चुनाव लड़ रहा है। नहीं, वो तो बहुत सादगीपूर्ण ढंग से ही लड़ा जा सकता है, उसके लिए 5,000 रखा गया ताकि गरीब का बच्चा भी कम से कम चुनाव लड़ सके। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से 5,000 में रमेश भाटी सर हमारे साथ जुड़ गए, एनएसयूआई के प्रवक्ता है। रमेश भाटी, एनएसयूआई के चुनाव प्रचार में अभी तक कितना खर्च हो चुका है? देखिए, अगर कैंडिडेट की हम बात करें तो हमारे पैनल ने अभी तक मात्र 3,000 रुपये में अपने बैलेट पोस्टर छपाए, क्योंकि कल रात को ही बैलेट पेपर का मिला था हमें, और आज सुबह से हमने केवल 3,000 रुपये के जो पर्चे हैं वो छपवाए हैं ताकि हम विद्यार्थियों को अपने कैंडिडेट अपने हाथों से बांट सके और ये बता सके कि ये हमारा बैलेट नंबर है। ताकि गाड़ियां की हैं, देखिए गाड़ियां जो है वो संगठन की गाड़ियां हैं, किसी भी व्यक्ति या छात्र नेता की गाड़ियां नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं संगठन के वे सब लोग अपनी गाड़ियों से और बिना किसी खर्चे के अपने ही खर्चों पर प्रचार कर रहे हैं। लंगर होना है, देखिए लंगर की हम बात करें तो लंगर हमारे यहाँ चल ही नहीं रहा है अभी तक। हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आता है कैंपस में प्रचार करता है वो अपने घर से सुबह आता है, दिन में प्रचार करता है और शाम को अपने घर जा रहा है। हमारे ये लंगर पद्धति अभी नहीं चालू की गई है और ना ही होगी। अच्छा, बस ये कह रहे हैं कि 3,000 के बस पोस्टर छपवा जी, अभी तक हैं। कल रात को ही बैलेट पेपर मिला था और 3,000 रुपए का होर्डिंग लगे हैं वो किसने लगवा दिए? देखिए, कुछ लोग जो मदद करने के लिए इच्छुक होते हैं उन लोगों ने अपनी इच्छा से लगाए हैं। विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी है उसने नहीं खर्च किया है। रमेश भाटी, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि खुद जो चुनाव लड़ रहा है वो या उसका सहयोगी ये सारी गतिविधियां कोई भी नहीं कर सकता। तो बाहर अगर लगाया जाता तो शहर पे विद्रूपण में स्थानीय निकाय को, जिला प्रशासन को, उनको उन पे क्रिमिनल अपराध बनाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, डिस्क्वालीफाई करने के लिए लिखना चाहिए। रमेश भाटी कहिए, जिन्होंने भी बाहर पोस्टर लगाए हैं उन पर एनएसयूआई रिकमेंड करेगा कि इन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये कमेटी की सिफारिशों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। जितने भी लोगों ने उनकी भावनाओं को देखते हुए पोस्टर्स लगाया है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का तो यही कहना है कि आप सब लोग लिंग दो कमेटी की सिफारिशों की पालना करें, और जिन भी लोगों ने कैंपस के बाहर पोस्टर्स लगाए हैं हमारा उनसे अनुरोध है कि कृपया दोबारा ऐसी कोई भी गतिविधि में शामिल ना हो। और जितना अंत में जब चुनाव संपन्न होगा और जब वही खाता लेकर बैठेंगे, वो खाता जो आगे नहीं दिखाया जाएगा, बैक साइड रहेगा, उसमें कितने लाख रुपए खर्च होंगे? देखिए, उसकी हम बात करें तो कैंपस में अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी बच्चे से जाकर अगर मिलेगा और उसके साथ बैठकर चाय भी पिएगा तो कैंपस में 27,000 स्टूडेंट है, और 27,000 स्टूडेंट से अगर कोई कैंपस में बच्चा मिले, छात्र अगर प्रतिनिधि अगर 10,000 बच्चों से भी मिल रहा है और 5,000 रुपए की अगर उसे चाय पिला रहा है तो 50,000 का मोटा मोटा खर्चा तो वही हो गया। मानकर चलो 3-4 लाख तो खर्च हो ही जाएंगे। देखिए, कम से कम मान अगर चाय पे ही हम चाय पिलाना, मैं समझता हूँ कि प्रलोभन देने की श्रेणी में आता तो आप सकते हैं, लेकिन अगर हम बैठकर उनसे बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं हम चाय पे ही बैठे, चाय अपनी जेब से पिए, चाय पर बैठ के तो लोग प्रधानमंत्री बन गए। के कार्यकर्ता भी इसी में है, माने या ना माने। अच्छा चलिए, आप बताइए अभी तक कितने खर्च हुए बताइए। मैं विद्यार्थी परिषद का एक प्रवक्ता के नाते यहाँ नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते यहाँ पे आया हूँ। विद्यार्थी परिषद अपने आप में एक अलग विद्यार्थी संगठन है, बावजूद उसके मैं आपको बताना चाहूंगा। छात्र नेताओं को वोट कीजिए, ये हमारी विंग है, आपके ही नेता कह रहे हैं। विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नाते, वो विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता के नाते बोल सकता है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के नाते ये विद्यार्थी परिषद को वोट देने के लिए बोल सकता है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, और मैं मेरे साथी को ये बोलना चाहूंगा कि आप तो कृपा करके ध्यान रखें। रमेश भाटी जी, आपका भी शुक्रिया। एके जैन साहब और जगरूप जी, आपका भी शुक्रिया। छात्र नेता इसलिए बनते हैं ताकि कैंपस के अंदर के पॉलिटिक्स के जरिए छात्रों को राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन ये दौर बहुत पीछे बीत चुका है। अब लग्जरी गाड़ियों, महंगे मोबाइल और एक काफिले के साथ
जब एक छात्र नेता चलता है ना, तो मान लीजिए लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें उन महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों के टायर के नीचे से कुचलती हुई निकल जाती है और कोई रोकने देखने टोकने वाला नहीं है। नमस्कार।